तू दूर सब दूर है और तू पास सब पास, तेरे मधुर मिलाप में है सब सुख सिद्धि निवास। हेलो हेलो हेलो, की काग शकल बिगाड़ियो मेरा चुन चुन खइयो मां, अरे दो नैनन मत खाइयो मोहे हरी मिलन किया। सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चो, मारे गोला ज्ञान का मेरे ढे वरम के को। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्यार, श्री कृष्ण कृपा करो मोरी नैया कर दो पार। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन भैया सुमिरे श्यामा, ब्रज लतन तरु बैठ के पल भर करो विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे, सब बोलो राधे। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, हो जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, हो जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो
श्यामा अपनो श्याम अपने श्यामा अपनो श्याम अपनो श्री वृंदावन अपने श्यामा अपनो श्याम अपनो श्री वृंदावन ओ अपनी श्यामा अपनो श्याम जरा पल से कही अपनो अगर अगर कोई अधिकारी ऊंची पोस्ट पर हो और वे हमारा कोई रिश्तेदार हो तो हम कितने गर्व से कहते हैं भैया कितने गर्व से कहते हैं कि ये फलाना रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार है ये फलाना अधिकारी मेरा रिश्तेदार है। इतनी बड़ी सरकार यदि आप इसको अपना मानते तो हाथ उठा करके कहिए अपनी श्यामा अपनो श्याम 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 अपनो श्री वृंदावन धाम अपनी श्यामा अपनो श्याम अपनो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अपनी श्यामा अपनो श्याम अपनो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा जय जय श्री वृंदावन श्यामा पुकारिए सभी दिल से हृदय से पुकारिए जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन पुकारिए जरा सभी पुकारिए जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन और हमारे परम पूजनीय बाबा श्री चित्रचित्र जी महाराज कहते हैं दोनों भुजा उठा करके कहिए मेरो मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन जब तक उसको अपनाओगे नहीं तो बात बनने वाली नहीं है भैया आइए कल आप सभी ने मंगलाचरण का आनंद लिया किस प्रकार श्री भक्तवत्सल भगवान के प्यारे लाडले भक्तों की श्री भक्तमाल कथा का कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है कैसे उत्पन्न हुई है श्री भक्तमाल कथा का ये ग्रंथ और द्वितीय प्रवेश किया हमने चरित्र में श्री नामदेव जी के कल कौन कौन कथा में आए थे जरा हाथ उठाइए कल कौन कौन कथा में थे जब कथा विश्राम हुई कल कथा कहाँ विश्राम हुई जरा ये बताइए हाँ जी वो कैमरामैन को तो इजाजत नहीं है बोलने की क्योंकि आप यहाँ से जाने के बाद चेक करते हो वीडियो तो आपको तो सब पता है हाँ संग हाँ नामदेव जी की बधाई हुई थी जय जय और हकीकत तो ये है कल नामदेव जी की बधाई हुई मेरठ से किसी संत ने ये टॉफियों का डिब्बा भेजा था नामदेव जी के लिए कि जब भी कोई बधाई उत्सव हो तो आप ये जरूर बांटना और हम भूल गए कल हमारे कक्ष में ही रह गया आज आप सबके संग आज इसको जरूर बांटेंगे लेकिन उससे पूर्व आइए नामदेव जी का नामकरण हुआ नामदेव जी का नामकरण हुआ लेकिन गोराई के मन में एक जरा सी टीस रह गई
कि हे मेरे प्रीतम, आपने इस बालक का नाम रक्त दिया, किंतु मेरे नेत्र आपके दर्शन से विमुख रह गए, मेरे कानों तक आपकी वाणी जरूर पड़ी लेकिन आपके दर्शनों से मेरे ये नेत्र विमुख रह गए, आपका दर्शन नहीं कर पाई। प्रीतम आप आए ही थे तो कम से कम दर्श भी दिखा जाते, मेरे मन की ये वेदना ये पीड़ा भी कम से कम शांत हो जाती। आप तो सदैव अपने भक्तों की लाज रखते हैं, शान रखते हैं, आप उनकी पुकार को हृदय से सुनते हैं, लेकिन आपने मेरी लाज रखी, शान रखी, लेकिन आपने हृदय से मुझे दर्श नहीं दिया। अगर आपने हृदय से मुझे पत्नी रूप स्वीकार किया है तो प्रभु कम से कम आपको दर्शन देना चाहिए था। मैं सदियों से आपकी याद में रो रही हूं, न जाने कब से इंतजार थी मुझे इस प्रियतम की, और आप आए और इस तरह तू मेरे लिए ना सही जमाने के लिए आ, तू मेरे लिए ना सही जमाने के लिए आ, अरे तू आ किसी बहाने से तो आ। प्रभु आज तो बहाना भी अच्छा था, आप आ सकते थे। आइए, वही वेदना पुकार कर रही है, कल भी आपसे निवेदन किया, आज भी कह रहा हूं, शब्द बेशक कोई और रहे होंगे गोराई मैया की, लेकिन भाव यही होगा। कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सतांदी है, 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 तेरे बाजो दिन नहीं लगदा, घरे आजा परदेसी सजना, आजा परदेसी सजना, घरे आजा परदेसी सजना, ओ तेरे बाजो दिन नहीं लगदा, घरे आजा परदेसी सजना, आजा परदेसी सजना, घरे आजा परदेसी सजना, दुख दूरों नहीं मुकदे, दुख दूरों नहीं मुकदे, नेड़े होया मुकदे, कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सतांदी है, कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सतांदी है, कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सतांदी है। श्री बाकी बिहारी लाल की जरा आप कल्पना कीजिए, एक स्त्री के लिए उसके पति के क्या मायने हैं, जिसने अपना सरसब जीवन, अपना सारा जीवन अपनी सेवा, अपनी पूजा श्री हरि महाराज के श्री चरणों में लगा दी हो, लेकिन आज तक उसने प्रत्यक्ष अपने उस पति देव का दर्शन ना किया हो, कितनी वेदना है। चार दिन के लिए यदि कोई बालक, यदि कोई पुरुष घर से बाहर चला जाए तो घर खाने को दौड़ता है, और यहां तो पूरा जीवन गोराई ने बिना अपने प्रीतम के।
जीने नी देता मैनू दर्द जुदाई दा, 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 करा की इलाज काना तेरी जुदाई दा, करा की इलाज काना अपनी जुदाई दा, चोट लगी ए दिल ते दादी सजना जिंदगी रुल गई साड़ी, तू हाल नहीं पुछते, तू हाल नहीं पुछते, नए अथरू रुक दे दे, काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए, काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए। कीते होए वादिया तो नसना नी चाहिदा, 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 किसे नू रवा के आप हसना नी चाहिदा, किसे नू हसा के आप हसना नी चाहिदा, गल पाए दे हिजर ते आपे दुनिया उजड़ी उजड़ी जापे, ए जख्म जुदाइयां दे ना लुकाया लुक दे दे, जुदाइयां दे काया लुक दे दे, काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए, काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए। तेरे बाजों कौन देवे दिल नू दिला सेवे, तेरे बाजों कौन देवे दिल नू दिला सेवे, ओ तेरे बाजों कौन देवे दिल नू दिला सेवे, तेरे बाजों कौन देवे दिल नू दिला सेवे, आए नी कदी भी होने भुलिया ते हसे वे, आए नी कदी भी होने भुलिया ते हसे वे, जद दी मैं वखरी होई सोनिया मैं ते जूती मोई, चन्न सदिया मोहब्बता दे, चन्न सदिया मोहब्बता दे, फुल जाते सुकते ते, काना तू आ जावे तेरी याद सताउंदी ए, काना तू आ जावे याद सताउंदी ए, काना तू आ जावे तेरी 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 याद सताउंदी ए, कन्हैया कन्हैया
क्या जीना जो तेरे बिन जीना है, उससे बेहतर तो मनमोहन जहर का प्याला पीना है। ऐसी करुण पुकार, ऐसी हृदय से भरी हुई पुकार जब गौराई ने की, उसी वक्त मेरे ठाकुर श्री हरि जी महाराज प्रकट हो गए और उसी मंदिर में रखा हुआ सिंदूर का कसोरा उसमें से निकाल करके सिंदूर गोराई की मांग में भर दिया श्री हरि महाराज। बोले श्री हरि जी महाराज की जय। बोले श्री बांकी बिहारी लाल की जय। बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। मांग भरी, तुरंत ओझल हो गए आंखों से। आज मानो गोराई उस पल को कैद कर लेना चाहती थी। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को कैद कर लो कुछ पल के लिए, पर वो पल पल ना रुका एक पल के लिए। हे कन्हैया, ये कैसा न्याय है तेरा? मेरे हृदय की जो पीड़ा है, जो वेदना है, कम से कम उसे सुनते तो सही। जीवन भर आपकी अपरस में रह करके सेवा की है मैंने, मेरी मांग का सिंदूर तो पहले ही उजड़ चुका था, मुझे इस सिंदूर की आवश्यकता नहीं थी प्रभु, इस सिंदूर की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो केवल एक बार आपके चरणों से लिपट करके रहना चाहती थी। ये कैसा न्याय है प्रभु आपका, ये कैसा न्याय है? इस बालक को आपने अपना नामकरण, आपने अपने मुख से किया। पहले ही संसार मुझे ताने मारता है, ये बालक किसका है, पर मैंने संसार की नहीं सुनी। आपकी सेवा में मैंने कोई कमी नहीं आने दी प्रभु। मेरे पिता ने कहा कि तेरा पति यही है, मैंने निसंकोच आपको अपना पति स्वीकार किया है। कम से कम कुछ पल के लिए सही मुझसे पूछते तो सही, पूछते तो सही। कैसा है उस बिरहन का जीवन जिसने अपने पति का दीदार नहीं किया? आज बचपन में मेरा विवाह हो गया बालकाल में, संसार का जो पति मेरे गोने से पहले, मेरी डोली उठने से पहले मैं विधवा हो गई। और आप, आपसे मैंने पुत्र की मांग की, आपने उसे निसंकोच पूरा किया, पर आपका भी अधिकार था प्रभु इस बालक में से कुछ देर खेलने का। आप नामकरण करके चले गए, आप मेरी मांग भर करके चले गए, किंतु इस बालक के संग कुछ देर खेलते तो सही प्रभु, उससे कुछ प्रेम की बात तो करते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का माल न टलते देखा। कैसे सुन लेते हरि इस पुकार को, इस वेदना को? पुनः हरि प्रकट हुए और अपने सीने से लगा दिया उस गोराई को। पुनः प्रकट होकर
और फिर हरि अपने वैकुंठ धाम चले गए। मानो आज गोराई को संसार की सब खुशियां प्राप्त हो गई। वे नन्ना सा बालक अपनी मैया को देखता, किस प्रकार ये हरि जी महाराज की सेवा करती हैं, किस प्रकार मेरे नाना जी श्री वामदेव जी विट्ठल नाथ को भोग लगाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं घंटों घंटों और पुकारते रहते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। श्री हरि महाराज को महाराष्ट्र में विट्ठल नाम कह करके पुकारते हैं हम। कोई बांके बिहारी कहता है, कोई श्री जगन्नाथ जी कहता है, कोई श्री हरि महाराज कहता है, कोई ठाकुर कहता है, महाराष्ट्र के लोग ठाकुर को विट्ठल नाथ कह करके पुकारते हैं। जरा आप भी पुकारिए प्यारे, अरे विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, ओ विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। नाना बड़ी सुंदर प्रकार से सेवा करते विट्ठल नाथ की, और वे नन्ना सा बालक श्री नामदेव जी अपने नाना की उस सेवा को बड़ी गौर से देखते, घुटवन घुटवन जाते और मंदिर के अंदर जब नाना बैठे होते और बाहर पर्दा होता तो हल्का सा पर्दे का झरोका हटा करके अपने नाना की सेवा को देखते रहते। सेवा देखते अपने नाना जी की, धीरे धीरे जो चंद्रमा बड़ा होता है उसी प्रकार वे बालक भी धीरे 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 बड़ा हुआ। कथा से आगे बढ़ू उससे पूर्व संतों का मत है ऐसा, रसिक जनों से सुना है कि कथा सुनने वालों में यदि कोई संशय रह जाए तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि किंतु परंतु भक्ति के मार्ग पर है ही नहीं, यहां तो केवल सेवा है। ऐसा ना सोचिएगा कि क्या शायद ये कथा कहानी हो कोई, नहीं, ऐसा हकीकत में हुआ है, ये प्रमाण है इसका। प्रभु ने जब जब अपने प्यारों को दर्शन दिया है उसका कोई प्रमाण भी छोड़ दिया है। सर मीराबाई जब तक इस संसार में रही केवल और केवल उनको अपशब्द मिले, उनको संसार से केवल और केवल ताड़ना मिली, लेकिन प्रभु ने जब मीराबाई को स्वीकार किया, आप सभी जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर में यदि आप जाएं तो आज भी मेरे ठाकुर के मुख से मीराबाई के वो कपड़े का शेष वस्त्र आज भी उनके मुख से लटक रहा है, आज भी लटक रहा है, वे प्रमाण है। मीराबाई कहीं गई नहीं, मीराबाई को मेरे द्वारकाधीश ने अपने परिकर में ले लिया। गुलाब खान कहीं गए नहीं, उनको किशोरी जी ने अपने परिकर में ले लिया।
और ये भक्त माल तो इतनी सहज है प्यारे, यहाँ आप यदि झूठा भी बोल लेंगे तो मेरे ठाकुर को स्वीकार है। झूठा भी यदि कह देंगे कि तुम मेरे हो, वो इतने भोले हैं, वो आपके सचमुच हो जाएंगे। जानते हो बिहारी जी के मंदिर में पर्दा बार बार क्यों होता है? केवल इसी कारण है कि कभी कोई भक्त नजरें मिलाकर के कह ना दे कि प्यारे तू मेरा है मैं तेरा हूं। और जिसने ये कह दिया नजरें मिला के, बिहारी जी तुरंत उसी के संग चल देते हैं। वो तो भाव के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं केवल। गुलाब खान भक्त हुए श्री राधा रानी के दरबार में, जात से धर्म से मुसलमान। आप में से कौन कौन बरसाना गया है? बरसाना वो लोग हाथ उठाएं जो आज तक बरसाना गई ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। आप में से कौन लोग हैं जो आज तक बरसाना गए ही नहीं? जरा हाथ उठाइए। अब आप लोगों में से वो लोग हाथ नीचे कर लो जिन्होंने वृंदावन के दर्शन भी नहीं करे, केवल वृंदावन के दर्शन भी नहीं करे। और जिन्होंने वृंदावन के दर्शन नहीं किए हैं, बरसाने के दर्शन नहीं किए, तो आप मान लेना वो दर्शन दर्शन नहीं है प्यारे, केवल घूमने गए थे और घूम करके आ गए। अगर आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते ना, तो आप भी रसिकों की तरह कह देते कि क्या हसीन इत्तफाक था तेरी गलियों में आना, क्या क्या हसीन इत्तफाक था तेरी गलियों में आना, किसी काम से आए थे किसी काम के ना रहे, किसी काम से आए थे किसी काम के ना रहे। अगर ठाकुर को पाना है, कल भी निवेदन किया आज भी पुनः निवेदन कर रहा हूं, मेरे ठाकुर को पाना है तो किशोरी जी की शरण में हो जाओ, सहज ही मिलवा देंगे। गुलाब खान की एक बेटी थी, उसकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, मुसलमान भाषा में इंतकाल कहते हैं, वो अपने खुदा के पास गई और जो बेटी थी उसका नाम गुलाब खान ने श्री राधा रानी के प्रेम में आकर के गुलाब खान ने अपनी उस नन्ही सी बेटी का नाम रख दिया राधा, राधा राधा। बोली राधा रानी सरकार की जय। और वो केवल नाम ही नहीं रखा प्यारे, गुलाब खान सारंगी बजाता राधा रानी के दरबार में, सारंगी बजाता। और राधा वो नन्ही सी बच्ची, वो नन्ही सी बालक राधा रानी के आंगन में गोल गोल नाचती और झूमती, और गुलाब खान गाता रहता राधा 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 भजो। Da 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 da
इस प्रकार नित प्रतिदिन का नियम हो गया गुलाब खान का। गुलाब खान सारंगी बजाता, राधा 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 गाता, और वो नन्ही सी बेटी, वो नन्ही सी कन्या राधा राधा नाम में ऐसे मगन होकर के नाचती कि वहां के वैष्णव रसिक जन, वहां पधारे हुए सभी रसिक जन उसको कुछ ना कुछ भेंट करते, जिससे उसके घर का गुजारा चलता। धीरे 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 कन्या बड़ी हुई, कन्या विवाह योग्य हो गई, लेकिन गुलाब खान जब भी उसके विवाह की बात सोचता तो डर जाता, भयभीत हो जाता। अरे इसके सिवा मेरा इस संसार में और है कौन? एक यही तो मेरी हृदय की जान है। ऐसा नहीं कि राधा राधा गाने से जब वो नाचती थी तो जो पैसा आता था इस कारण वे विवाह नहीं करना चाहता था, उसको मोह हो गया था, उसको उसको प्रेम था, जैसे कि हर किसी को आप अपनी अपनी कन्या से होता है। आप सबकी भी कन्या होगी, आप सबको भी जितना प्रेम है उससे उतना ही सही, लेकिन प्रेम था गुलाब खान को, डरता था। आपके यहाँ भी जब आपकी कन्या बड़ी होती है आप खुशी खुशी उसका विवाह तय करते हैं, लेकिन जब घर आकर के आप अपनी उस बिटिया को बताते हैं कि तेरा विवाह तय कर दिया है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। जिस कन्या को जीवन भर हमने पाला आज वो विदा होते ही एक पल में पराई हो जाएगी। इसी भय से, इसी डर से गुलाब खान ने कभी अपनी कन्या के विवाह के बारे में सोचा नहीं। रसिक जन आते कहते, अरे बाबा बाबा इसका विवाह करो, आप रुपए धन की कोई चिंता मत करो, जितना धन लगेगा हम लगाएंगे। वहां के गोसाई बताते कि सारा धन लगाने को तैयार, एक एक रसिक जन, एक एक गोसाई, लेकिन गुलाब खान नहीं मानता। एक बार गुलाब खान को डर लगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया, तो उसने सोचा कि ठीक कहते हैं गांव वाले, मैं प्रेम के स्वार्थ में आकर के अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा, और जब मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस कन्या की देखभाल कौन करेगा। ऐसा विचार करके गुलाब खान ने रसिकों से हां कर दी कि ठीक है मैं कन्या का विवाह कर देता हूं। गुलाब खान की कन्या का विवाह का दिन आया, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया कन्या अपने घर चली गई, गौना हुआ, डोली उठी, वह अपने घर चली गई। आज मानो गुलाब खान के प्राण निकल गए, आज तन तो है लेकिन प्राण नहीं है। आज मानो शरीर से किसी ने जान ने निकाल ली। आज सरंगी को देख करके बाबा रो रहे हैं कि मेरे जीवन में अब कभी सरंगी नहीं बजेगी। राधा आपको खुशी मिलती थी, मैं तो केवल इस कारणवश सारंगी बजाता था। आज मेरे जीवन की आज एक कड़ी कम हो गई। बाबा रोते 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 3 दिन निकल गए। बाबा अपने अपनी कुटिया में केवल और केवल अश्रु प्रवाह कर रहे। राधा 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 कह करके पुकारते और जोर जोर से चिल्लाते। रसिक जन बताते उनकी कुटिया से केवल चीख पुकार की आवाज आती, राधा राधा राधा, लेकिन अब वहां कोई सुनने वाला नहीं। राधा अपने ससुराल जा चुकी थी,
लेकिन मेरी करुणामयी सरकार मेरी श्री राधा एक एक जन की पुकार सुनती है। हम नीच है आदमी है समझते नहीं लेकिन लेकिन वो हमसे दूर नहीं है, हमसे दूर नहीं है। तीन दिन बीत गए ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बाबा को मूर्छा आ गई। बाबा को मूर्छा आई इतने में कन्या आई और कन्या ने आकर के मुख पर पानी डाला। अरे बाबा 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 क्या हो गया आपको, मुझे मालूम था कि आप मेरे बिना कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए मैं ससुराल से केवल केवल और केवल आपके लिए वापिस आई हूँ। बाबा भोजन कर लो, बाबा बाबा भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। बाबा को उस दिन उस किशोरी ने रोटी के साथ अरबी का भोग लगाया, अरबी का। बाबा उठे, बाबा की मानो जान वापस आ गई आज। बाबा खुशी खुशी बाबा ने उसके हाथ से नवाले खाए, वापसी प्राण आ गए। राधा रोते रोते बोली, बाबा बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे क्या, तीन दिन हो गए मैंने नृत्य नहीं किया। बाबा चलो अटारी पर बरसाना, किशोरी जू के महलन में आप सारंगी बजाओ, आज मैं नाचना चाहती हूँ, आज मैं नृत्य करना चाहती हूँ। बाबा बाबा सारंगी लेकर के दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और सारंगी लेकर के बाबा पुणे गा रहे हैं। राधा 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 तमन्ना यही है मेरी, मेरे हाथों में हाथ तेरा हो, जिंदगी चाहे पल भर की हो, सारी जिंदगी साथ तेरा हो। हजारों महफिले हैं और लाखों मेले हैं, पर जहां तुम नहीं वहां हम अकेले हैं। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा और ऐसी राधा 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 जपते जपते मस्ती में
गुलाब खान जी डूब गए, जो ही नेत्र खोले देखा वहां कोई है ही नहीं। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा गा रहे हैं, लेकिन अपने नेत्रों को इधर उधर कर रहे हैं। अरे कन्या कहाँ गई, मेरी राधा कहाँ गई। गाते 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 जब नैन से ओझल हो गई किशोरी, जब कुछ देर बीत गए लाडली नजर नहीं आई, वो कन्या नजर नहीं आई। सारंगी को छोड़ भाग उठे सीढ़ियों की ओर कि शायद मुझे भोजन करा करके वापिस अपने ससुराल गई। दौड़ते 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 चीख पुकार करते राधा राधा राधा, तू कहां गई राधा राधा। उसके ससुराल के दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा पीटने लगे, राधा राधा मुझे छोड़ करके क्यों चली आई राधा, क्यों सरंगे दोबारा हाथ में पकड़ा करके वापस आ गई राधा। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा हो, श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। और अचानक से किपाट खुला, अंदर से उस कन्या की सांस निकली। पूछा राधा कहाँ है राधा, बोले राधा तो अंदर है। बोले अंदर है, बुलाओ राधा को, बुलाओ जल्द से बुलाओ। नंगे पाओ भागते आए गुलाब, राधा को बुलाओ राधा को। राधा जो ही अपने कक्ष से बाहर निकली, उसे अपने हृदय से भर लिया, अंक मिले। राधा राधा ये तूने ठीक नहीं करा, अरे मूर्छा में था क्यों उठाया मुझे, मैं मर जाता इससे बेहतर, मैं तेरी जुदाई नहीं सह सकता, मर जाने दिया होता राधा, मर जाने दिया होता, क्यों आ गई। बोले बाबा बाबा मैं तो 3 दिन से यही हूं, मेरा तो गोना हो गया, मैं आपके पास कब आई बाबा। आप बैठिए, आप जल जल लीजिए आप। बाबा को कुछ समझ नहीं आया, बोले अभी तूने मुझे निवाले खिलाए हैं, अभी तूने मुझे अरबी खिलाई है रोटी के साथ, अभी तू अटारी पर मेरे संग नाच रही थी कि बाबा 3 दिन हो गए, आप सरंगी बजाइए मैं नृत्य करना चाहता। अभी तो तूने कहा राधा तू झूठ क्यों बोल रही है राधा। बोले बाबा मैं नहीं आई, मैं 3 दिन से यही हूं, मैं 3 दिन से यही हूं बाबा। बाबा दौड़ गए, दौड़ के चले गए अटारी की और सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। सीढ़ियों में अचानक से रुक गए, अचानक से रुक गए, दबे दबे बाहों से जाकर के देखा किशोरी को। अंदर से गोसाई वापस आ रहे थे, हाथ में महाप्रसाद था। गोसाई से बोले कि क्या क्या कपाट बंद हो गए। बोले हाँ अभी भोग लगा है, कपाट बंद हो गए, लो आप अभी प्रसाद। जो ही गोसाई ने प्रसाद दिया तो रोटी के ऊपर अरबी रख करके दी। गुलाब खान ने कहा ये भोग राधा का है। बोले हाँ आज आज किसी सेठ ने राधा रानी को अरबी का भोग लगाया। गुलाब खान समझ गया वो और कोई नहीं, वो केवल किशोरी थी, केवल किशोरी। श्री राधा श्री राधा राधा श्री
राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा गाइए प्यारे कहते बाबा को पुनः मूर्छा आ गई। अंदर से किशोरी जी महल से उतरी और स्नेह से एक पुत्र की भांति गुलाब खान को प्रेम दिया। जब अरबी का भोग दिया, रोटी का भोग दिया किशोरी जी का गोसाई ने, उसके बाद गुलाब खान को किसी ने देखा नहीं। आखिरी बार केवल सीढ़ियों पर देखा गोसाई जी ने। काफी दिन तक लोगों ने देखा, गुलाब खान कुटिया में भी नहीं है। पुत्री के जाने के वियोग में, दर्द में, दुख में शायद कहीं चले गए, आ जाएंगे कुछ दिन बाद। कुछ माह बीते, गुलाब खान नहीं लौटे। वहां के रसिकों ने, वैष्णव संतों ने, गोसाइयों ने सोच लिया कि लगता है गुलाब खान ने आत्महत्या कर ली होगी, मर गए होंगे, जंगल में चले गए। इतने इतने दिन किशोरी जी से, अटारी से दूर रह नहीं सकते। उनके जीवन की सुबह सारंगी बजा करके राधा 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 नाम से हो, और जीवन की अंत भी लगता है उन्होंने राधा 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 नाम से कहा। उनके नाम से बरसाना में चबूतरा बना दिया गया गुलाब सखी के नाम से। किस किस ने दर्शन किए गुलाब सखी के? जय जय गुलाब सखी के नाम से चबूतरा बना दिया। लेकिन एक दिन गोसाई जी किशोरी जी को शयन करवाने के बाद पान बीड़ा उनके पास रख करके आए और कपाट बंद करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे, आवाज आई राधा 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 राधा। पहले गोसाई जी हल्का सा डर गए, उसके बाद उन्होंने झाड़ियों में जाकर के देखा, अरे डर गए, ये गुलाब खान का भूत है। पीछे भागे गुलाब खान, दो चार सीढ़ियां अभी उतरे ही थे गोसाई जी, गुलाब खान आगे आकर के खड़े हो गए कि बाबा आप डर क्यों रहे हो? अरे गुलाब खान तुम तो मर गए थे। नहीं बाबा, मैं तो अमर हो चुका हूं। अमर अमर ही तो है, श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है मुझे, ये अमर ही तो है। बोले परिकर, गोसाई जी को कुछ समझ नहीं आया। बोले आप झूठ बोलते हैं। बोले अभी आप किशोरी जी को शयन करवा के आए हैं, उनके पास पान बीड़ा रख करके आए। बोले हाँ। बोलो किशोरी जी ने आधा खाया है, देखो आधा मुझे दिया है, मेरे हाथ में उन्हीं का ही बीड़ा है, उन्हीं का ही बता करके पुनः वापस श्री राधा जी के परिकर में चले। अपने चाहने वाले को वो कभी दूर नहीं करता प्यारे, ध्यान रखना, कभी दूर नहीं रखता, और वो दूर रह भी नहीं सकता। हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, आप सबके घर किस किस किया। अच्छा सच बताना, कभी घर से बाहर जाते समय आप अपने गोपाल जी को क्या कह करके जाते, कुछ कह करके जाते कि हम जा रहे हैं घर का ध्यान रखना, और ताला मार के चले जाते हैं?
अरे वो नन्ना सा बालक है, उसको नन्हे बालक की तरह प्रेम करो। आप अपने बालक को ताला लगा करके आ जाएंगे, बताइए आ जाएंगे फिर उसके संग क्यों? अरे आप उसे चाहो तो सही, गीता में कहा है तू मेरी ओर बढ़ तो सही, तेरी ओर दौड़ा ना हूं तो कह नहीं। हम अपने छोटे से बालक को घर से निकलते हैं और अपने छोटे से बालक को अभी वो सुनना भी नहीं ढंग से जानता, हमारी बाड़ी को समझता नहीं, मुझसे अनेकों बात करते हैं। पापा जा रहे हैं दो दिन के लिए, आपसे आकर के मिलेंगे, आप ध्यान रखना, कैसी अनेकों ने प्यार भरी बातें उससे करते हैं। कभी अपने गोपाल जी से कहा, गोपाल जी मैं दो दिन के लिए जा रहा हूं। आप अपने बालक से पूछते हैं कि आज आपको क्या खाना है, वो तोतली भाषा में कुछ बोलता नहीं, केवल हरकत करता है हंसने की, आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। कभी गोपाल जी से कहा कि प्यारे आज तुझे क्या भोग लगा, आज आप ही बता दो गोपाल जी आज आपको क्या खाना है, आज वही भोग रोगे। कभी वस्त्र पहनाने समय उनके आगे वस्त्र रख दिया करो चार पांच, बिहारी जी हे मेरे लड्डू गोपाल जी बताओ आज कौन से वस्त्र पहनाऊं। बड़ा दुख होता है देख करके, कईयों के घर जाना होता है, जन्माष्टमी के जन्माष्टमी गोपाल जी के वस्त्र बदलते हैं। मैं कहता हूं यदि आपसे सेवा नहीं हो सकती तो ऐसे गोपाल जी आप हमें दान कर दें, आप हमें दे दें, हम शीश नवा करके आपसे हाथ फैला करके ले लें, लेकिन ये सेवा नहीं है। बालक की तरह प्रेम करो और वो उसका आगे से आपको रिप्लाई देगा, मेरी गारंटी है वो आपको रिप्लाई देगा। अगर आप उसको केवल और केवल विग्रह मानते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये जीते जागते ये बोलती हुई मूरत है, ये बोलती हुई मूरत है। आज से 40-50 वर्ष पहले की बात है, चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ चौबे जी का। चौबे जी के कोई संतान नहीं थी, उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। वो सदैव गोपाल को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते थे। पुत्र की भांति। एक दिन उनके भाई ने कहा कि भैया आपके पास बहुत धन दौलत है, आपकी बहुत प्रॉपर्टी है, आप कोई बालक को गोद ले लें, आप मेरे बालक को गोद ले लें। बोले मैं गोद क्यों लूं? बोले आपके कोई बालक नहीं। बोले किसने कहा तुझसे कि मेरा कोई बालक नहीं है? अरे कुंजू बेटा मेरा बालक है, मेरा बेटा है कुंजू। वो कुंजू कुंजू कह करके बिहारी जी को लाड लड़ा तेरी झाझा। कोई त्योहार होता जैसे आप लोग अपने बालक के लिए वस्त्र खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, मिष्ठान खरीदते हैं, ऐसे ही अपरस में रह करके वो सेवा करते कुंजू बेटे की। एक दिन रिश्तेदार बोले अरे मर जाओगे तो मुखाग्नि कौन देगा? बोले तुम्हें कौन देगा? बोले हमारा बेटा हमको मुखाग्नि देगा। बोले तो मेरा भी बेटा मुझे मुखाग्नि देगा। बोले जब बेटा है ही नहीं तो मुखाग्नि कौन देगा? बोले वो है ना मेरा कुंजू, वो ही देगा मुखाग्नि। मरो फिर जैसे तुमने जीना है जी, रिश्तेदार चल चल। एक दिन चौबे जी का स्वर्गवास हो गया। सभी चल दिए शमशान घाट के और लकड़ियों में लगा दिया चौबे जी को। मुखाग्नि कौन दे? एक दूसरे का मुख देखने लगे। इतनी देर में एक बालक आया और आकर के उसने कहा अरे मेरा बाप मरा है, क्यों सोचते हो मेरा बाप मरा है, मुखाग्नि मैं दूंगा।
ठाकुर जी ने ऐसी माया रच दी किसी को मालूम नहीं हुआ। ये ज्यादा बात पुरानी नहीं भैया, केवल 40-50 वर्ष पहले की आपको श्री मलुकपीठ वाले महाराज के मुख से सुनी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज से। उन्होंने उस कुंज बिहारी जी के दर्शन भी किए महाराज जी, उनके गांव में जाकर। तालबेहट कस्बा है बुंदेलखंड जिले के अंदर, बुंदेलखंड राज्य के अंदर, वहां जाकर के दर्शन किया है। संत ऐसे नहीं लिख देते, प्रमाणित बात लिखते हैं, प्रमाणित बात कहते हैं। मुखाग्नि दी सब माया में ऐसे खो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन है। और पहले रिवाज होता था मुखाग्नि के बाद जलांजलि का, किसी सरोवर किसी तालाब में वह बालक जो मुखाग्नि देता है, जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है वो जलांजलि भी देता है। जो ही बालक जल के भीतर गया और देखा वापिस ही नहीं आया, लोगों में शोर मच गया, काफी रिश्तेदार कूद पड़े तालाब में, लेकिन उस बेटे का पता ही नहीं चला। वहीं पर समीप में खड़ा हुआ एक ब्राह्मण अलग गोत्र का था, उसने देखा, उसके समझ में आ गया सारा खेल। वो भागता हुआ गया चोबे जी के घर और जाकर के जो कपाट था उस कपाट को हटाया तो देखा उसी वस्त्र के अंदर चोते चोते वस्त्र कुंजू के, और आंखों में नीर भरा है और बालों से घुघराले केशों से पानी टपक रहा है। ऐसी है सरकार, आप मानिए तो सही। तलबगारों पे तो नजरे करम तेरी जरूरी है, तलबगारों पे तो नजरे करम तेरी जरूरी है, गुनाहगारों पे भी तेरी इनायत हमने देखी है। आप प्यार से उसे पुकारिए तो सही। गौराई की ऐसी बात सुन करके श्री हरि जी प्रकट हुए, नामकरण किया, पुनः दर्शन दिया, गौराई को अपने हृदय से लगा लिया। वे बालक बड़ा हुआ, सेवा देखता अपने नाना जी की, वामदेव जी की, और पूछता कि नाना जी मैं ठाकुर जी की, मैं पांडुनाथ जी की सेवा कब करूंगा, मैं विठल की सेवा कब करूंगा। बोले नाना, बोले आप अभी बालक हैं, आपसे भी करवाएंगे सेवा। वे बालक बालक बालकों के संग जब गली मोहल्ले में जाता तो केवल और केवल बच्चों को संग करके और संकीर्तन करता था। बालक बुलाते कि आओ खेलें, बोले नहीं खेलेंगे नहीं, आज संकीर्तन संकीर्तन खेलेंगे, बैठ जाओ। और बच्चों की टोली के साथ बैठ जाता और गाता रहता, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, हो विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, हो विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, हो विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। और एक समय आ गया, नाना जी ने कहा नाम दे, ए मेरे नामा, मैं कल किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तू रोज मुझसे पूछता है कि विठल की सेवा मैं कब करूंगा, तो मेरे पीछे से आप सेवा कर लोगे, न जाने आज आज नामदेव को क्या प्राप्त हो गया। नाना की केवल बात ही सुनी और झूमता हुआ अपने अपने आंगन में गाने लगा, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला। अरे अरे नामा सुन तो सही, लेकिन नामा ने सुना नहीं, गाता रहा। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, ओ विठल
तो सही बोले हाँ नाना जी बताइए। नाना जी बोलते गए ऐसे करना ऐसे करना, ऐसे भोग लगाना, ऐसे स्नान कराना, बस बस नामा तो हाँ हाँ करता रहा। ठीक है नाना जी, जी नाना जी, हाँ जी नाना जी। थोड़ी देर बाद पूछे नाना जी कब जाओगे, नाना जी कब जाओगे, नाना जी अभी आप गए नहीं। अरे पागल कल जाऊंगा, आज की तुझको कब गई। अच्छा अच्छा कल जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। और रात को सोते 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 अपने नयन में बोलता रहा, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। सोते सोते उसके होंठ गुनगुना रहे हैं, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, 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 विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। सुबह हो गई, आज वो खेलने भी नहीं गया, आज भूख भी नहीं लग रही उस बालक को।